मौसम के लिहाज से ठंडे कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो उन 6 विधायकों की हम बात करेंगे जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं जो भी इनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जो खबर हिमाचल प्रदेश से है वो इससे थोड़ी अलग है। ये जो 6 भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, इन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का केस करने का जो प्रकरण है वो शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इन पर आरोप लगाया था कि ये जो विधायक हैं, 6 कांग्रेस के विधायक और 3 जो निर्दलीय सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी से 15-15 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये जो आरोप था, इस आरोप को बहुत ही गंभीरता से इन 6 विधायकों ने लिया है और 3 निर्दलीय विधायक भी इनके साथ हैं और इनमें से एक नेता सुधीर शर्मा ने तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानहानि का नोटिस भिजवा दिया है और बाकी मानहानि का नोटिस भिजवाने के प्रोसेस में है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से शुरू हुई सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी संकट बेशक टल गया हो लेकिन घमासान अभी भी जारी है और अब तो सियासी लड़ाई कानूनी क्लेश में बदलने वाली है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 नेता और 3 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए ये कहा था कि ये विधायक 15-15 करोड़ में बीजेपी के हाथों बिक गए। अब इन आरोपों पर बागी नेता खफा हो गए हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का केस करने जा रही हैं। 6 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय विधायक शनिवार को मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। इस ऐलान के साथ ही राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, लगता है कि मानसिक संतुलन इनका इम्बैलेंस हो गया है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर सभी जो 6 के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट के विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए में ये लोग जो है बिक गए, मुझे लगता है कि इनको सरकार को जल्दी चाहिए कि इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरा चेक करवाएं। मन घड़ंत आरोप लगा रहे हैं और पूरी तरह इम्बैलेंस हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये बात करें कि मेरे पास सबूत है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे लगता है कि इनको जो है अपना मानसिक संतुलन जो है, वो जो बैलेंस इनका बिगड़ा है, उसको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। इस प्रकार से जनता के सामने इस प्रकार से छवि को खराब करना, ये बहुत ही निंदा का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज बौखलाहट में कुछ भी अनाप साहब बोले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम लोग इनकी बात ही सुनते रहें। जमीर बेचने की जहाँ तक बात है, यदि हमने ऐसे कृत्य किया होता तो हम पब्लिक को फेस कैसे करते? हम क्यों जनता के बीच में जाते? हम जनता का दरबार जो है वो सबसे बड़ा दरबार है, उसके बीच में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और जो अन्यायपूर्ण तरीके से पिछले 1.5 वर्ष एक तानाशाही स्वरूप में जो इन्होंने राज किया है, उसका पूरा का पूरा दुखड़ा जो हम जनता के बीच में खोल रहे हैं। और ये एक बड़ा, जिस प्रकार की ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के बागी नेता और बीजेपी में शामिल सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को मानहानि का नोटिस भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर बिना शर्त के सीएम माफी मांगे और 5 करोड़ रुपए उनकी छवि को खराब करने के लिए हर्जाना दें। इसके अलावा 55,000 अतिरिक्त लीगल खर्च के रूप में देने की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो हैं वो 15-15 करोड़ों में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए।
सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहां विधायक को कह दिया कि भुट्टो को कुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बुखलाहट में करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों के मानहानि केस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जनता के बीच सच्चाई आनी चाहिए, और चीजें भी पता लगेगी और जो चीज है वो तो लोगों के सामने है, और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। वो तो सत्या तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया था कि जनसभा में उमड़े जन सैलाब ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि यहाँ बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे, बल्कि जनता हिमाचल के टिकाऊ विकास का रास्ता तैयार करने वालों का साथ दे रही है। धनबल की राजनीति करने और 15-15 करोड़ में अपना ईमान बेचने वालों को कुटलेहड़ की देवतुल्य जनता वोटों से जवाब देगी। अब सुक्खू के इस बयान के बाद बागी नेताओं के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के साथ उपचुनाव होंगे, जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता के कारण पैदा हुई खाली सीटों पर होंगे। पिछले महीने और सदन में कटौती प्रस्ताव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति, धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट और कुटलेहड़ में उपचुनाव होंगे और ये मुकाबले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लिए कड़ी चुनौती है, जो क्रॉस वोटिंग के बाद खतरे में नजर आ रही है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल, हमीरपुर से जसबीर कुमार और धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।